दरअसल हम चाहते हैं कि पूरे कुरान की तफसील आपसे सुने, इसके लिए जरूरी है कि एक मुस्तकिल जगह हो। हम तमाम खवातीन चाहती है कि जब तक आपके मरकज का इंतजाम नहीं होता, आप दरस कुरान अपने घर पर करवाए और हमारे जिम्मे भी कुछ काम दें, हम हर तरह किताबों के लिए तैयार हैं। वही इस समय से वॉक करेंगे, जब तक इंतजाम यहाँ पे है उस वक्त तक हम यहाँ करेंगे। भाई शमीम साहब की मेहरबानी है, वो ये इंतजाम यहाँ करवा रहे हैं और तब ये इंतजाम न हुआ तो अल्लाह ने इस जगह से बड़ी जगह मुझे अपने घर में दे रखी है, फिर वहां कर लेंगे। लेकिन मैं इसलिए चाहता हूँ कि फिलहाल यहाँ पे हो कि ये जगह शहर के मरकज में है, करीब है, आपको आने में आसानी है। मेरे यहाँ जो लोग आएंगे उनको ढाई रुपए किराया ज्यादा खर्च करना पड़ेगा, ढाई रुपए तो हम भी आती है, ज्यादा लोग अपनी कारों पर आएंगे तो मैं घर को अपना मरकज बना सकता हूँ। लेकिन जब तक यहाँ सहूलत है हम कर लेते हैं, और जब शमी साहब ने हाथ उठा लिए कि अब आगे उनके नहीं तो फिर घर तो है, फिर वहां होगा 184L डिफेंस वहां पर हो जाएगा और वहां पर हम आपके जिम्मे वाकईतन ड्यूटी भी लगाएंगे। मैं जब तक जिंदा हूं और पता नहीं तब तक जिंदा, जब तक अल्लाह ने मुझे मुहलत दे रखी है मैं इंशाल्लाह कुरान मजीद पढ़ाता रहूंगा। दुनिया के और सब काम छूट जाए एक अल्लाह के फजल करम से मेरी दुआ है और मेरा वादा है इंशाल्लाह कुरान पढ़ाने का मैं नहीं छोड़ूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह छठा पारा भी खत्म होने वाला है। हमने शुरू जब किया था 3-4 साल पहले बहुत आहिस्ता आहिस्ता चले और शुरू के पारों में मुझे ज्यादा बोलना पड़ा। अब बहुत सी बातें जो कि मैं बयान कर चुका हूं तो मैं रिपीटेशन नहीं करता, मैं आगे बढ़ रहा हूं। अब रफ्तार जरा तेज भी होगी, इसलिए मुझे उम्मीद है अल्लाह ताला से मैं मोहलत मांग लूंगा, पूरा कुरान इंशाअल्लाह हम अल्लाह करेगा हम पढ़ लेंगे। इतनी सी मोहलत में अल्लाह ताला से मुझे यकीन है कि मैं मांग लूंगा और मैं इंशाअल्लाह कम करिएगा। उसके बाद नबीस का काम है, वो अल्लाह ने मोहलत दे दी थोड़ा सा वो भी कर लेंगे, वरना ये तो इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है अल्लाह की जाते ग्रामी से ये होगा इंशाअल्लाह।